हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यह सुबह का टाइम, छाया की ड्रेस पे मैं कर रही हूँ प्रेस, जो लेके आई थी आपने पिछले वीडियो में देखी होगी। तो जी, आज का व्लॉग 2 दिन का व्लॉग है, लेकिन बहुत ही छोटा है 2 दिन के हिसाब से, क्या 1 दिन के हिसाब से भी काफ़ी छोटा है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 2 दिन के जो काम है मैंने थोड़ी सी देर में 8-9 मिनट में ही कवर कर दिया, 8 ही मिनट में समझिए आप कवर कर दिए हैं। तो जी, इसके कपड़ों पे कर दिया मैंने प्रेस, क्योंकि ये जाएगी आज स्कूल। इसका प्रोग्राम है, स्कूल में तो नहीं है, प्रोग्राम तो बाहर है, लेकिन जा रही स्कूल के थ्रू ही है, तो बाहर है ना प्रोग्राम, इस वजह से। तो काफ़ी मतलब सभी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं वहाँ पे, सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, इनका सॉन्ग है। तो ये ड्रेस इनको मिली है, रेंटेड ड्रेस है, ये स्कूल से ही रेंट पे मंगवाई है मतलब। और बना रही हूँ मैं आलू के परांठे। ये आलू ज़्यादा गर्म थे तो फिर मैं पंखे की हवा में लेके आ गई हूँ, कद्दूकस करते हुए हाथ जल रहे थे। और ये छाया पहन तो लिया है इसने, लेकिन अभी प्रॉपर तैयार नहीं हुई। पगड़ी वगैरह इसकी स्कूल में है, तो वहाँ से जब मतलब वो आ जाएगी, मतलब स्कूल चली जाएगी, तैयार हो गई, जितना इसके पास सामान है बाकी ये वहीं पर स्कूल में जाके तैयार हो जाएगी, क्यों टीचर भी करेगी, कुछ मेकअप वगैरह यहाँ पर कर देंगे हम इसका। बस अब ये कर रही है झलपने, खिंडा रही है आयुष्मान। और कर दूंगी मैंने इसका मेकअप, इसको लिपस्टिक लगा दी है, आई शेडो वगैरह करके इसका मेकअप तो कर दिया, बस बाल बनाने रह गए थे। अब इसके बाल बना दूंगी और नाश्ता बनाने लग रही थी मैं बीच में, फिर आलू ठंडे होने के लिए रख दिए। इसको आ गई मैं तैयार करने के लिए, इसकी चोटी कर दी है फ्रेंच डिवाइडर, फ्रेंच ज़्यादातर ये इसी को करवाती है, तो इसको पसंद है और अच्छी भी लगती है। और सुबह बना दिए थे आलू के परांठे। अब वो चली, छाया चली गई थी स्कूल, स्कूल से मतलब स्कूल क्या चली गई थी, हाँ चली गई थी शायद। उसके बाद मैंने फिर ये छाया के पापा के लिए ना परांठे बनाए, उसके लिए तो सिंपल आलू के बना दिए थे, छाया के पापा के लिए फिर मैंने प्याज डाल के बनाए। और ये जो क्लिप है थोड़ी बाद की है, जब वो स्कूल गई थी और चुन्नी ढक के गई, उसको शर्म आ रही थी ना मेकअप करके, तो इस वजह से। तो जी, सुबह का काम होने के बाद फिर मैं लेके आई हूँ ये सूट सिलने के लिए, अपना निकाल के काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, लेकिन ना बस यही है कि टाइम नहीं लगता। सिलाई चाहे ना भी करूँ फिर भी मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता कुछ करना। तो आज सिलूँगी सूट को, एक सूट और सिलने की सोच रही हूँ, वो भी करूँगी। तो जी, ये भी क्लिप है, ये अगले दिन की है। ये हम, मैं जा रहे हैं, मैं क्या, हम सभी जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं आपको जाके पता चलेगा जब हम पहुँच जाएंगे। पहना मैंने सूट, ये मैंने सेकंड टाइम पहना, एक दिन मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था, ऐसे ही रखा है। और ये मैंने ब्लैक वाला सूट सिल लिया है, कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, बाजू इसकी पफ वाली की है, क्योंकि मैं एक सूट की बाजू पफ वाली करती हूँ, और ये बहुत ही मुझे पसंदीदा डिज़ाइन है मेरा। एक सूट जो ख़राब हो गया उसके बाद मैंने ये सिल लिया है अब। और जब मैं अपने सूट सिलती हूँ ना, तो डिज़ाइन मेरे को समझ में ही नहीं आते क्या बनाऊँ क्या नहीं, सिंपल पे ही पहुँच जाती हूँ। जब किसी और का करना हो फिर चाहे जितने मर्जी डिज़ाइन बनवा लो, लेकिन अपना करने के टाइम पे तो ना बस ऐसे ही सिंपल पे ही पहुँच जाती हूँ, डिज़ाइन ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जी, ये सूट मैंने प्रेस वगैरह कर लिया, बैग पैक हो चुके हैं, आरव को कर दिया मैंने तैयार। और पहन रही हूँ मैं अपनी पायल दूसरी, वो पहले दूसरी पहनी हुई थी, अब मैं दूसरी पहन रही हूँ। तो जी, बस फटाफट से तैयार हो जाएंगे। छाया के पापा बच्चों को स्कूल लेने गए हैं इधर, उन मतलब पीछे से मेरे को ये है कि मैं उनसे पहले जल्दी तैयार हो जाऊं, तो जल्दी से मतलब काम हो जाएगा जब तक आएंगे वो, क्योंकि ना आज हमारे वहाँ पे है मेला। अब बता ही देती हूँ आपको मैं जा रही हूँ कहाँ पे, तो चलो छोड़ ही देती हूँ, सरप्राइज़ रखती हूँ। ये हो गया आरव तैयार और मैं भी हो गई हूँ तैयार, पिंक मेकअप किया है मैंने। ये हेलो कर दे। तो जी, पहुंच गए थे हम हमारे घर पे, और नाश्ता पानी करने के बाद, ये शाम का टाइम है, बहू नहा धो के रसोई साफ करके बना रही है प्रसाद। हमारे यहाँ पे है मेला, जो गोगा जहरवीर का मेला होता है ना वो। और मेरे आने की खास वजह ये है कि मुझे जाना है मेरी बहन के घर, उसकी सास ज़्यादा बीमार है, तो उनका हाल चाल पता करने के लिए। तो आज मेला भी था इस वजह से हम आज आ गए हैं। और बहू बना रही है प्रसाद, ये देसी घी में हलवा बनता है, फल बनते हैं, फल उसने पहले बना लिए थे, वो क्लिप मैंने बनाई नहीं थी,
तो इस वजह से, और बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरी जीभ आई है वो हो जाती है ना, जीभ आना बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, छाया उसको, जीभ पर छाले पड़ना। जीभ पे छाले नहीं पड़े हैं, मतलब वैसे आ गया, वो रेड सी हो जाती है, तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है, मेरी भी आ रही है। और छाया की भी आ रही है, तो ये गर्मी से आ जाती है, तो इस वजह से बोलना नहीं जा रहा थोड़ा सा। और ये क्लिप जो है मेरे को, मैंने कल भी वीडियो डाली थी, तो इस वजह से एक सोचा चलो आज तो डाल ही देती हूँ, छोटी मोटी जैसी भी हो, नहीं तो फिर कमेंट आएगा कि आप रोज़ वीडियो नहीं डालते हो। तो जी प्रसाद हो गया तैयार, उसके बाद हम सब भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो हम बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन आज जा रहे हैं, तो जैसे हमने पूछा किसी से भी कैसे जाना है, कैसे माथा टिकवाना है, बहू की फर्स्ट टाइम तो जाना है भाई बहू को, तो उस वजह से फिर हम थोड़ा आज लेट ही जाएंगे। तो जी बस होने लग रहे हैं सभी तैयार, फिर आ गए थे गेस्ट तो उनको अटेंड किया, और ये हमारी छाया हो गई है रेडी, बहू भी हो गई है तैयार, सिर्फ बस थोड़ा मोटा सामान लेना है, हल्के ही कपड़े पहनाए हैं, गर्मी की वजह से काफ़ी भीड़ भी होती है ना वहाँ पे, ताकि गर्मी कम लगे। क्यों? तो जी मैंने कपड़े नहीं बदले हैं क्योंकि नए स्कूल में जा रहे हैं, और बच्चों ने भी नहीं बदले हैं, अरे नहीं भी बदले, हम तो ऐसे ही मतलब दोबारा तैयार से हो गए हैं, पर कपड़े नहीं चेंज किए हमने। जी पहुंच गए थे मेले में, ये छाया के पास फोन था, इसने क्लिप बनाए, हम ऊपर माड़ी पे गए थे माथा टेकने के लिए वहाँ, तो फिर बच्चों को फिर बाद में आके लिया मैंने, ये भी लेके तो साथ चले गए थे क्योंकि हम दूसरे रास्ते से बच्चों की वजह से ऊपर जाके बैठ गए थे, छाया के पापा और मेरा भाई जो है वो लाइन में लग के फिर ऊपर गए थे, तो फिर ऊपर जाके हम उन्हें मिल गए थे माड़ी पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो बच्चों से फिर खड़ा ना हो जाता, इस वजह से ना फिर ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब भीड़ में लाइन में नहीं लगाए, बच्चों से कहाँ फिर खड़ा हुआ जाता है, तो उस वजह से फिर वैसे हमारा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मेले में, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो जी आगे आने लग रहे हैं मेले से धीरे धीरे करके सब, मैं और बहू पहले ही आगे थे, तो जी बस लेके आए हैं जो सामान थोड़ा बहुत बच्चों ने खरीदा है। क्या लेके आए यार अब आप? अच्छा, नीनी नहीं आई आपको, थक गए थे आप? कैसा लगा था मेला? ये आर्या छाया फिर बाद में आई थी ना, बस आर्या ही रह गई थी, इसके पापा के साथ आई फिर। और क्या लेके आए हैं खरीद के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्या कुछ लेके आए हैं, तो करते हैं आज के वीडियो का एंड, तब बाय।